धर्मराव बाबा आत्राम खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री ने शुक्रवार को नागपुर में पत्रकारों से चर्चा की। आत्राम ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में बड़े नेता और वर्तमान विधायक हमारे पास आएंगे। धर्मराव बाबा आत्राम ने बयान दिया है कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि कौन आएगा, लेकिन नाम नहीं लूंगा। वह बहुत नाराजगी है। 16 तक असं काहीच नाही आहे। दादांशी 8 महिने अगोदरच मी बोललो होतो की मला या जबाबदारीतून मला मुक्त करा, कारण की खऱ्या अर्थाने जे न्याय द्यायचा होता ते न्याय देता येत नाही, कारण की माझ्यावर अधिकता जबाबदारी इकडच्या गडचिरोलीची असल्यामुळे त्या दृष्टीने आम्ही लक्ष गडचिरोलीकडे द्यायचं, आणि त्या दृष्टीने आपण परवा सांगितलं दादांना, दादाने ते मान्य केलं। लोकसभा चुनाव सीटों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे नामांकित किया जाता है तो मैं गढ़चिरौली से भारी अंतर से जीतता। तो ठीक है, ते वातावरण तसा होता है, लोकसभा मध्ये सगळे एकत्रित होऊन भाजपाच्या विरोधामध्ये मतदान जे झालं महायुतीच्या विरोधात, ते थोड़ा फटका सगळ्यांना लागलाय, हरकत नाही, परंतु आता विधानसभेमध्ये तसा प्रकारचा होणार नाही इतकं खरं आहे, आणि त्या वेगळ्या पद्धतीचा हा निवडणूक असणार आहे, आणि त्या दृष्टीने मला वाटते आपण 180 ते 200 जागा आपला महायुतीला मिळेल। लोकसभा चुनाव में मिली कम सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पालक मंत्री के पद पर मैंने 8 महीने पहले दादा से कहा था कि मैंने गढ़चिरौली पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। मैंने 6 महीने पहले संरक्षक मंत्री का पद छोड़ दिया था। दादा से बात करने के बाद अब उन्हें मंजूरी मिल गई है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने कहा है कि मैंने अभी तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, अब मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नागपुर संभाग की 10 सीटों पर फोकस है। नहीं है ते मनाले कि मैं राष्ट्रवादी चाहो, राष्ट्रवादी चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार दृष्टिकोनातून खाली राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, आणि त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पार्टीमध्ये आपले आमचे नेते भुजबळ साहेबसुद्धा आहेत, सगळे आमचे वरिष्ठ नेते आहेत, त्या दृष्टिकोनातून असं काही नाराजी नाही आणि माझ्याही नाराजी नाही। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।